सीओ साहब हमको दाखिल खारिज के एवज में 50,000 रुपये मांगे और कर्मचारी जो है वो भी 10,000 रुपया मांगे, तो सीओ साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें ऊपर तक पैसा जाता है, मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, डीएम साहब को देना पड़ता है, सब जगह पैसा देना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज एक मामला सामने आया पटना के दानापुर का, जहां पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर शराब के धंधा करने वाले कुछ लोगों ने अवैध तौर पर कब्जा कर लिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के डीएम को सीधे फोन लगाया और इस मामले पर कहा है कि तत्काल जो भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं उन पर कस के एक्शन लीजिए। बता दें कि पूरा मामला जो है पटना के दानापुर का है, जहां पे देवेंद्र प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने इस बात का आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर अवैध तौर पर जो है कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय थाना और सीओ साहब जो है पैसे की मांग कर रहे हैं और ये तक कहा जाता है कि ये पैसा मुख्यमंत्री तक को पहुंचाना पड़ता है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में आ गए और उन्होंने सीधे पटना के डीएम को फोन लगा करके किस तरीके से एक्शन के लिए कहा है, सुनवाते हैं आपको। जनवरी 2020 में मैंने एक कट्ठा जमीन परचेज किया था और दिसंबर में दाखिल खारिज के लिए सीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिए। जब समाई पर नहीं हुआ तो मैं एक महीना बाद सीओ साहब से मिला, तो सीओ साहब हमको दाखिल खारिज के एवज में 50,000 रुपया मांगे और कर्मचारी जो है वो भी 10,000 रुपया मांगे। मेरे द्वारा न देने पर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। 5-6 दिन बाद मैं फिर दोबारा गया सीओ साहब से मिलने के लिए, तो सीओ साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें ऊपर तक पैसा जाता है, मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, डीएम साहब को देना पड़ता है, सब जगह पैसा देना पड़ता है, तुम जिसके पास जाना चाहो जा सकते हो, कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हो गए, मेरा कब्जा था जमीन पर। हेलो, अरे मधुबनी से एक व्यक्ति आया है, इनका सुन लीजिए। ये अंचलाधिकारी द्वारा जो है दाखिल खारिज नहीं करने के संबंध में जमीन लिया है, उसका दाखिल खारिज नहीं कर रहा, बहुत सा इधर उधर धंधा कर रहा है, देख लीजिए, तुरंत दिखवाई आइए। जनवरी 2020 में मैंने एक कट्ठा जमीन परचेज किया था और दिसंबर में दाखिल खारिज के लिए सीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिए। जब समाई पर नहीं हुआ तो मैं एक महीना बाद सीओ साहब से मिला, तो सीओ साहब हमको दाखिल खारिज के एवज में 50,000 रुपया मांगे और कर्मचारी जो है वो भी 10,000 रुपया मांगे। मेरे द्वारा न देने पर मुझे वहां से निकाल दिया गया। 5-6 दिन बाद मैं फिर दोबारा गया सीओ साहब से मिलने के लिए, तो सीओ साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें ऊपर तक पैसा जाता है, मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, डीएम साहब को देना पड़ता है, सब जगह पैसा देना पड़ता है, तुम जिसके पास जाना चाहो जा सकते हो, कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हो गए, मेरा कब्जा था जमीन पर। हेलो, अरे मधुबनी से एक व्यक्ति आया है, इनका सुन लीजिए। ये अंचलाधिकारी द्वारा जो है दाखिल खारिज नहीं करने के संबंध में जमीन लिया है, उसका दाखिल खारिज नहीं कर रहा, बहुत सा इधर उधर धंधा कर रहा है, देख लीजिए, तुरंत दिखवाइए आइए।